देव, वीरेंद्र सहवाग जैसे दिग्गज खिलाड़ी जिन पहलवानों का समर्थन देने की बात कर रहे हैं, जिन बेटियों के हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, उन बेटियों के लिए सबसे बुरी बात तो यह है कि उन्हीं पहलवानों की अपनी कजन बहन कह लीजिए या बीजेपी नेत्री कह लीजिए बबीता फोगाट उन पहलवानों के समर्थन में उतरती नहीं दिख रही हैं। बबीता फोगाट शायद पहलवानों के धरने से थोड़ी नाराज चल रही हैं। बबीता फोगाट को लग रहा है कि पहलवानों के धरने में राजनीतिक पार्टी के तमाम नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उतर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि बबीता फोगाट जी, क्या आपको किसी ने रोका हुआ है? क्या आपके मंत्री, आपके विधायक या आपके प्रधानमंत्री, जिनकी आप बहुत बड़ी फैन हैं, वो आपको रोक रहे हैं इन पहलवानों के धरने में जाने के लिए? या आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा नहीं पा रहे हैं? आज का दिन 30 तारीख है, याद कर लीजिएगा। आज आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का 100वां एपिसोड रिलीज हुआ है, इसलिए देश भर में बैनर, पोस्टर और तमाम चीजों का इंतजाम हो गया है। क्या आपके प्रधानमंत्री को इतना समय नहीं मिल पाया कि वो इन पहलवानों के पास जाएं, इनकी बात सुन ले? केवल बात सुनाना आता है आपके प्रधानमंत्री को, बात सुनना नहीं आता है क्या? ये पहलवान जब देश के लिए मेडल जीतते हैं तो आपके प्रधानमंत्री तुरंत फोटो खिंचाते हैं, और तमाम लोग तो तमाम विधायक मंत्री तो ये भी ट्वीट करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत की वजह से देश में मेडल आया है। अब जब यही पहलवान धरने पर बैठे हैं, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या थोड़ा भी दायित्व नहीं बनता, थोड़ा भी कर्तव्य नहीं बनता? अरे देश के दिग्गज खिलाड़ियों ने इन पहलवानों का साथ देने की बात की है, सुप्रीम कोर्ट तक ने इन पहलवानों के हक में फैसला किया है, तो आखिर प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा पा रहे हैं? बबीता फोगाट जी, आपको यही नाराजगी है ना कि तमाम राजनीतिक दलों के नेता आ रहे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पहुंचे, प्रियंका गांधी जी पहुंच गई हैं, किसान नेता पहुंच रहे हैं, पप्पू यादव पहुंच रहे हैं, इसी बात से आपको नाराजगी है? तो बीजेपी मंत्री को कह दीजिए ना, वो भी पहुंचे। और सबसे ज्यादा जो महिलाओं के लिए कहती है कि राष्ट्रपति का अपमान हुआ है, माफी दो स्मृति ईरानी से कहिए, वो पहुंचे, वो भी माफी मांगने के लिए कहे उनसे। कहिए ना बबीता फोगाट जी, आप तो बीजेपी के ही हैं, आपकी तो बात भी सुनी जाती होगी। निर्मला सीतारमन जैसी तमाम सशक्त महिला नेत्री जिस पार्टी में है, उस पार्टी का कोई भी एक मंत्री क्या इतना दम नहीं रखता है कि इन पहलवानों के पास जाए और उनकी भी बात सुन ले? खैर दोस्तों, फिलहाल पहलवानों का धरना मजबूत होता दिख रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टी के लोगों ने पहलवानों का साथ देने की बात की है। यही नहीं, तमाम दिग्गज खिलाड़ियों ने भी इन पहलवानों के समर्थन में ट्वीट किया है, इन पहलवानों के समर्थन में इनके लिए हक की आवाज बनने की भी बात कही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का भी लगातार रुख साफ हो रहा है। पहले उन्होंने FIR दर्ज करने की बात की, और अब सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया है कि जो 7 शिकायतकर्ता थे उनको दिल्ली पुलिस सुरक्षा दे, जिसमें कि 6 बालिग और 1 नाबालिग शिकायतकर्ता थे। उन सभी 7 शिकायतकर्ता को सिक्योरिटी देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, और दिल्ली पुलिस ने उन्हें सिक्योरिटी मुहैया करा दी है। लेकिन प्रधानमंत्री जो आज अपने 100वें एपिसोड में बिजी हैं, जो सबको अपनी मन की बात बताने में बिजी हैं, वो इनके मन की बात इनके लिए न्याय की आवाज बनने के काबिल नहीं है। इनकी भी मन की बात सुन लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपका कार्यक्रम मन की बात जरूर सुनूंगी। खैर, आपका तो पब्लिकेशन हो चुका है, आज जगह जगह तमाम लोगों ने सुना, आपने अपनी मन की बात कह दी, अब हमारे देश की बेटियों की मन की बात भी सुन लीजिए। अपने सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भी कोई सख्त एक्शन लीजिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।